रिकेश जी, मैं आपको और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वक्तन वक्तन आप जम्मू कश्मीर खासतौर पुंछ की डिस्ट्रिक्ट की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं हम सब मिलजुल करके। मैं दुख से कहना पड़ता है कि पिछले एक दो साल के बीच ऐसे ही एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के बीच कि एक चोरी छुपा लुकी गेम जो है आतंकवादी खेल रहे हैं। बड़े दर्दनाक बात है ये, और ये दुख से कहना पड़ता है कि जैसे देखिए आप रजौरी टांगरी में हुआ, उसके बाद यहाँ पर सुरनकोट में हुआ, और दो दिन पहले रियासी में हुआ। जो यात्री थे निहत्थे थे बेचारे, और वो बिहार यूपी से आए हुए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद कठुआ में हुआ, डोडा में चल रहा है, हमारा एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो ये जो हादसे हैं ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? अभी अभी देश एजेंसियाँ जो हमारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी कमी है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, हमारा यहाँ पर पीछे हमारे पीछे तकरीबन एक किलोमीटर बता नाला का जो ब्रिज है उस क्रू पॉइंट के बीच एक आर्मी की वहाँ पर परमानेंट पोस्ट थी, उस पोस्ट को वहाँ से हटाया गया। अगर ये बता ब्रिज जो है 24 घंटे जो है बिल्कुल ओपन, दिन के समय यहाँ पर हमारे पुलिस के जो है सिपाही वहाँ पर खड़े रहते हैं, रात के समय ये पुल ओपन रहता है। इसकी इतनी बड़ी डेप्थ और इतनी बड़ी लेंथ है कि रात को कुछ भी हो सकता है। आप देखिए दिन दिन हालात जो खराब हो रहे हैं, मेरी लोगों से गांव के जो देहातों के लोग हैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई आता है तो आप सिक्योरिटी एजेंसी को जरूर इन्फॉर्मेशन दें, जरूर बताएं, ताकि उस आदमी तक शख्स पहुंच जाए, ताकि वो एक आदमी को नुकसान करने आया तो कई हज़ारों आदमी बच जाएं। ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं ये ना बर्दाश्त काबिल करने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि हम भी एक सैनिक हैं, रिटायर सर्विसमैन हैं, हमारा भी खून गर्म होता है कि जब हमारे किसी बाइक के ऊपर ऐसा अगर कोई चोरी छुपी लेके अगर कोई गेम खेली जाए। अब देखिए ड्राइवर को हिट कर रहे हैं, ड्राइवर को हिट करने का यही मकसद है कि अगर ड्राइवर को हिट करेंगे तो गाड़ी खाई में गिरेगी। वही जो है इन एक्सीडेंट जो है बार बार हो रहे हैं, रियासी में देखिए, कहीं और देखिए आप, तो ऐसे और ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, राम ने, वाहेगुरु ने अगर हमें संसार में भेजा है तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, बुराई की तरफ ध्यान कम देना चाहिए, अच्छाई की तरफ चलना चाहिए। हमें पन्ना लिखना चाहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी कौम का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। ये नहीं कि हम हथियार उठाकर जो है अपने देश के खिलाफ बगावत करें, ऐसा नहीं है। ऐसा मुल्क, ऐसी स्टेट हमें कहीं नहीं मिलेगी दुनिया भर के बीच। मैं आपके चैलेंज से यही मुझे उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात बहुत पहुंचनी चाहिए कि ये जो हालात हैं इन हालातों को काबू किया जाए, और जितनी भी एजेंसी है उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। आप देखिए कि कोई बाहर का, यहाँ पर बिहारी हैं, यूपी के यहाँ लोग लेबर का काम कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, कम से कम 10,000 आदमी जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ सिटी के बीच रह रहे हैं, मेंढरे में रह रहे हैं, मंडी में रह रहे हैं, उनकी कोई भी जो है वहाँ पर एंट्री नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कहीं भी किसी की कोई एंट्री नहीं है, किसके घर में रह रहा है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास क्या नहीं है। ऐसे आदमी अगर सोच का काम करेंगे तो मिलिटेंट के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए आसानी है। तो मेरी नौजवानों से यही अपील है, अगर किसी को ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई घटना मिलती है, ऐसा कोई शख्स मिलता है, तो तुरंत जो है एजेंसी को बताएं, ताकि एजेंसी को उसके बीच सुविधा मिले और जल्द से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम इंडियन आर्मी के साथ, सीआरपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, हमें एसएसपी जुगल मनाज साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हेडक्वार्टर साहब से रिक्वेस्ट है, एसएचओ पुंछ से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम स्ट्रक्चर्स करेंगे वो हमारी सेहत के लिए ठीक है, दूसरी के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन हमारी सेहत के लिए ठीक रहेगी। हमें मिलजुल करके, खासतौर मीडियाकर्मी जो हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सब ने मिलजुल कर। अभी देखिए ये दरिया है, बिल्कुल पानी सूखा हुआ है, एक 10 साल का बच्चा, जो 8 साल का बच्चा, वो भी दरिया पार करके आ सकता है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इतना वो नहीं, मैंने देखा मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन मेरी ये सोच है कि हमें सब ने मिलजुल करके अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और जो वीर जवान हमारे ये शहीद हुए हैं, जो यात्री शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा के लिए उस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उनको शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति रहे, और देश की भी शांति का माहौल बना रहना चाहिए। ये सबको मिलजुल करके हमें ये कार्य करना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ।